तो जो आज हम करने वाले हैं आपको लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन के ऊपर एक्टिविटी करने वाले हैं। आज इस एक्टिविटी हम ये बताएंगे कि लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है, यानी कि इसका पाथ क्या है। वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, जिगजैग पाथ फॉलो करती है, या फिर कोई अन्य तरह का पाथ फॉलो करती है। तो आज की इस एक्टिविटी से पूरी तरह से हम समझ लेंगे कि जो आपका लाइट है उस लाइट का नेचर कैसा है, वो कैसे ट्रेवल करती है। बात समझ आ रही है? तो इसके लिए हमारे पास कॉम्ब है। इस कॉम्ब का हम पैटर्न चेक करेंगे। ये कॉम्ब जब हम इसमें लाइट डालेंगे तो किस पैटर्न से वो लाइट सामने दीवार पर रिफ्लेक्ट होगी। बेसिकली ये एक आपका डार्क रूम है। जरा दिखाओ, अभी हम इस कमरे की लाइट को जब ऑफ कर देंगे तब कंप्लीट ये एक डार्क रूम होगा, यानी कि इसमें लाइट की पूरी तरह से परछाई हमें दिखाई देगी। और इसके लिए हमारे पास एक थर्माकोल की शीट भी है। इस शीट से हम आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। इसके लिए अंकुर, और हाँ, ये चैप्टर नंबर 11 की एक्टिविटी 8 है। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलो लाइट ऑफ कर दो। देखो ये पूरी तरह से आपका हो चुका है कम्प्लीटली। अब देखो ऐसे आओ, सामने वाले दीवार पे देखेंगे सब बच्चे कि लाइट का जो पाथ है वो कैसे। देखो लाइट का जो पाथ है वो कैसे है। देखो थोड़ा सा भी इसमें से देखो, इस पे देखो, सामने वाली पे देखो, देख पा रहे हो? जो कॉम्ब है, कॉम्ब की जो इसमें जो इसकी सीख जो है उसकी परछाई एकदम से सामने आ रही है। आ रही है? इसका मतलब है कि जो लाइट जो है वो हमेशा कैसे कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। कैसे 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 पाथ में फॉलो करती है। और देखो दिख रहा है ना तुम्हें, देखो इस पे देखो, बोर्ड पर देखो, देखो बोर्ड पर देखो, दिख रहा है? जब लाइट इस पर पड़ रही है तो कॉम्ब की जो पूरी की पूरी जो इसमें जितने भी स्टिक्स हैं वो सब कुछ दिख रही हैं। यस सर। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो कॉम्ब की जो स्टिक हैं वो अलग अलग हो रही हैं? यस सर। अरे अलग अलग हो रही है ना, सबकी एक अलग अलग परछाई है ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि जो लाइट है वो कैसा पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ? लाइट ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ। बात समझ आ रही है? yes, चलो इसको हम एक बार इससे करके देखते हैं। देखो बात समझ आ रही है? yes, यानी कि हमारी जो लाइट है वो हमेशा कैसा पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। कैसा पाथ फॉलो करती है? स्ट्रेट पाथ। देखो चलो बेटा एक बार बोर्ड पर ही देखो, सब बच्चे दिख रहा है सभी को? समझ में आया? yes, sir. लाइट कैसा पाथ फॉलो करती है, कैसा पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। अच्छा इसके बाद इसका रिफ्लेक्शन चेक करेंगे। पकड़ो इसको जरा, इसको नीचे रखो। देखो चलो देखो, एक आपको मिरर के अंदर से एक पैटर्न दिख रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, जो मिरर जो होता है वो लाइट को हमेशा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? यानी कि जो लाइट है वो सबसे पहले मिरर पर जाएगी और मिरर से टकराने के बाद वापस लौट करके आएगी। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि लाइट पहले शीशे पर पड़े, मिरर पर पड़े और उसके बाद लौट करके आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबको समझ में आया? yes, तो बताओ लाइट कैसे ट्रेवल करती है, कैसे? स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑन कर दो, आराम से। सभी को समझ में आया बच्चे? yes, कोई भूलेगा तो नहीं? no, तो बताओ अब अंधेरे में सबकी परछाई दिखती है। yes, तो बताओ परछाई कैसे बनती है, कोई बताएगा? बताओ। तो जब लाइट हमारे बताओ, तो जब हम लाइट के सामने खड़े होते हैं तो सर हमारी बॉडी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और पीछे शैडो दिखती है। यानी उतने जितने हिस्से में हमारी बॉडी लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है उस हिस्से की परछाई हमें दिखाई देती है, बाकी जो लाइट हमारे यहाँ से पास होकर चली गई उसकी हमें परछाई नहीं दिखाई देती। बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर।
आप अपनी परछाई को देखकर डरोगे तो नहीं? है तो आपकी आपकी परछाई। तो बात समझा रही, किसी की परछाई लंबी किसी की छोटी, वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि लाइट आपको जिस एंगल पर आपकी बॉडी पर पड़ रही हो उसी हिसाब से आपकी परछाई बनती है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अंकुर बताओ, लाइट तुम्हारी तुम्हारी, देखो सुनो, देखो इसको देखते हैं, देखो मेरी परछाई, देखो अंकुर इधर आओ, मेरी परछाई जो बन रही है, मेरी परछाई जो बन रही है वो किस वाले हिस्से में बन रही है? जैसी मेरी बॉडी है उसी हिसाब से मेरी परछाई बन रही है, यानी कि सामने से जो लाइट एब्जॉर्ब, बेटा उसको बंद करो, यानी कि सामने जितनी लाइट मेरे पड़ रही, मेरी बॉडी जितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है वो स्पेस में उतने हिस्से में से, बाद में उतने हिस्से में से वो लाइट को ऑब्जर्व कर रही। बात समझ आ रही है? यस सर। सब सीख गए? यस सर। तो आज के बाद भूलोगे तो नहीं कि आपकी परछाई कैसे बनती है? नो सर। परछाई से डरोगे नहीं? नो सर। चलो ठीक है, आज के लिए भाई अगले